हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुष्मिता कुकिंग चैनल। और आज मैं बना रही हूँ बचे हुए चावल के साथ एक ब्रेकफास्ट रेसिपी। अक्सर रात का या फिर दोपहर का चावल हम लोगों का थोड़ा सा बच जाता है और उस चावल से हम क्या करेंगे सोचते रह जाते हैं, लेकिन आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बचे हुए चावल के साथ एक बहुत ही अच्छा रेसिपी। और यहाँ पर देखिए, मेरा रात का बचा हुआ चावल था और इसे मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ। तो मैं एक मिक्सी का जार ले लूँगी और इसके अंदर हमें एक कटोरी चावल डाल देना है। साथ में मैं इसके अंदर डालूँगी 4 चम्मच दही। दही एकदम फ्रेश वाला दही है, तो 4 चम्मच मैं डाल दूंगी। डाल के इसे हमें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। आपको अगर पानी का ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और देखिए, मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और मिक्सी का जार में जो थोड़ा सा लगा हुआ है उसे धो के मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दूंगी और बैटर को पानी के साथ अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लूंगी। ये मिक्स हो चुका है और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सूजी। पहले तो मैं 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ सूजी, उसके बाद एक बार मिला देंगे, बाद में अगर ज़रूरत पड़ा तो हम यूज़ करेंगे। 2 चम्मच सूजी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं, और जो बाकी बचा हुआ था उसे भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो बैटर का जो कंसिस्टेंसी है उसे हमें एकदम ठीक रखना है। और इसके अंदर मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। नमक को भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे 20 से 25 मिनट या फिर आप चाहे तो आधा घंटे के लिए भी कवर करके इसी तरह से छोड़ सकते हैं। तो मैं आधा घंटे के लिए छोड़ दूंगी इसी तरह से। आधा घंटा बाद मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ और आप देख सकते हैं ये एकदम फूल गया है और इसका कंसिस्टेंसी भी थोड़ा सा थिक हो गया है। इसे हम पतला नहीं करेंगे, एकदम परफेक्ट है। पानी आप इतना डालिएगा कि सूजी सोख पाए, पानी के साथ अच्छी तरह से सूजी मिक्स होके उसे सोख ले, सूजी फूल जाए, उतना ही हमें पानी डालना है। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। और ये वाला बैटर एकदम रेडी है, मैं इसे साइड में रख लूँगी। और यहाँ पे मैंने सूखी मिर्च को थोड़ा सा फ्राई करके क्रश कर लिया है और उसके बाद चॉप प्याज, चॉप कैप्सिकम, चॉप टमेटो ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद मैं इसे चम्मच की मदद से हल्के हाथों से मिक्स करूँगी। ज़्यादा हमें इसे मिक्स नहीं करना है तो सारा सब्जी पानी छोड़ देगा, इसीलिए हमें हल्के हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। सब्जी भी हमारा यहाँ पे मिक्स लगभग हो चुका है, बैटर भी रेडी है। हम चल जाएंगे अब पैन की तरफ। पैन में मैंने बहुत ही कम, 1 छोटे चम्मच के करीब तेल गरम कर लिया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ बैटर जो हमने चावल के साथ बनाया है। इसे आप चाहे तो तेल को टिश्यू पेपर से पोंछ के भी बना सकते, लेकिन उसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा क्रिस्पी बनता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा और इसका नीचे का पार्ट थोड़ा सा क्रिस्पी रहेगा तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो बिना ऑयल के भी आप इसे बना सकते हैं। और मैं इसके ऊपर से वेजिटेबल्स जो चॉप करके रखे थे वो डाल रही हूँ और चम्मच की मदद से प्रेस करते हुए इसे थोड़ा सा फैला देंगे ताकि अच्छी तरह से ये चिपक जाए। और अब मैं इसे पलट लूँगी और आप इसका पीछे का साइड देखिएगा, हल्का सा ब्राउन हो गया है और क्रिस्पीनेस भी आ गया है। तो ऐसे सेकने से ये बहुत ही टेस्टी बनता है और नीचे का जो वेजिटेबल भी है वो भी ऑयल में थोड़ा सा सौते हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं तो बोलूँगी आप इसे थोड़ा सा तेल में ही फ्राई करें। अगर बच्चे के लिए बना रहे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और दूसरे साइड भी मैं और 2 से 3 मिनट सेक लूँगी ताकि और भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और यहाँ पे मेरा लगभग सारा फ्राई होके तैयार हो चुका है। इससे खाने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई डिप नहीं चाहिए, ऐसे ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो दोपहर का या फिर रात का बचे हुए चावल से क्यों, ऐसे ही चावल बना के उससे ये बना सकते हैं आप। अक्सर बच्चे चावल नहीं खाते तो ऐसे बना के दीजिएगा, काफ़ी हेल्दी भी है। इसे आप टिफिन में भी डाल सकते हैं, कभी भी बना के दे सकते हैं। ये रेसिपी आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मैं चलती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।